हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हमें कक्षा 9 में अपना वीडियो का 5वां भाग देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है दो घुलनशील मिश्रण के द्रवों को कैसे अलग करें। तीसरा है वायु में से गैसों को कैसे प्राप्त करें। चौथा है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्धता का संग्रह कैसे प्राप्त करें। चलिए पहले की बात करते हैं। पहले में देखिए आप किस तकनीक का उपयोग कर दिए जाएंगे। पहले में हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा किताब में पढ़ते, करना क्या है। थोड़ा एक छायक पत्र के लिए पतला सा पत्र ले लीजिए, कागज होता है जो आप स्कूल में आएंगे तो दिखाऊंगा किस प्रकार का कागज होता है, तो उसको लेंगे। फिर कह रहा है इसके निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर ऊपर तक पेंसिल से खींच ली, यानी पूरा नहीं खींचना, आप चित्र में देख सकते हैं। फिर कह रहा है उस रेखा के बीच में जल घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रख दी, यानी एक कागज लेना है, एक रेखा ऐसे खींच लेनी है, बीच में देखोगे आप ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, छोटा सा बिंदु दिख रहा है, आप चित्र में देखते स्याही का बूंद आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, ठीक है। करना क्या है इसको बूंद को सूखने दे, बूंद क्या हो सूख जाए। अब करना क्या है जार या बीकर में जल पानी ले लीजिए, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि जल की सतह से जो कागज है जल की सतह से ठीक ऊपर है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, जल में डूबे नहीं, जल में डूबे नहीं, ऐसा उसको रखिए कि पानी में ना डूबे। अब उसे छोड़ दीजिए, रखकर उसको छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देखेंगे कि जल छानक पत्रक पर ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ेगा, आप देखेंगे कि पानी में आया हुआ उसको रखा हुआ है, उसको डुबाया है, लेकिन आप देखेंगे ऑटोमेटिक पानी क्या होगा ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। तो अब यहाँ पर आपको उत्तर देना है जैसे जैसे जल ऊपर की उठता है आपने छानक पत्रक को क्या किया। दूसरा, क्या आपने छानक पत्रक के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया। तीसरा, आपके मतानुसार रंग के स्थान पर छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कारण बताएंगे कि स्याही क्या है कम है और जल क्या है ज्यादा है। मैंने बताया था जिसकी मात्रा कम वो मिले, जिसकी मात्रा ज्यादा वो मिलाए। यहाँ पर पानी मिलायक है और स्याही क्या है ले, यानी स्याही क्या होगी पानी के अंदर घुल जाएगी। जैसा ही जब छानक पत्र ऊपर की दिशा की ओर जाता है डाई के कण को अपने साथ ले लेता है, जैसे ही जल छानक पत्र ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे जो कण हमने स्पोर बनाया था डाई का उसको अपने साथ लेकर चलता है, यानी अपने अंदर घोल लेता है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है, डाई में क्या होता है दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो हमें यहाँ पे जवाब मिल गया कि काली स्याही डाई में एक ही रंग नहीं है, दो या दो से अधिक रंग हैं। चलिए, यह डाई के कणों को भी अपने साथ लेता है, डाई कई रंगों का मिश्रण यानी एक ही रंग नहीं है, कई रंगों का मिश्रण है। तो रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, जो डाई है जो स्पॉट हमने बनाया था क्या पानी में तेजी से घुलता है, तेजी से ऊपर उठता है, इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही डाई उसके अंदर घुलती है तो हमें ये पता चलता है कि जो स्याही है वो तेजी से उसके अंदर घुल रही है। चलिए हम इस प्रकार से रंगों को अलग करते हैं। चलिए हमारा एक
चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मिश्रण के घटकों को जिस विधि से हमने अलग किया, मिश्रण के घटकों में से रंगों को अलग करने की विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा का होता है रंग। क्रोमा का क्या होता है? रंग। इस तरह क्रोमा का क्या होता है स्टूडेंट? तो क्रोमा का होता है रंग। ग्राफी मतलब अलग करना या वर्णन करना। तो इस प्रकार से इस विधि का नाम क्या पड़ा है? क्रोमेटोग्राफी। चलिए अब इस विधि में पहले हम इसको डिटेल देंगे, क्रोमेटोग्राफी का डिटेल करेंगे, तब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा का मतलब होता है रंग। क्रोमा का मतलब क्या होता है? रंग। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग किस में होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग विलेय कणों को विलायक से अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हैं। यदि ऐसे विलेय में पालन किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले, जैसे आपके पास एक ही प्रकार का विलायक है पानी में से डाई के कणों को अलग किया जा रहा है। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में भी नई नई तकनीकें आई हैं। चलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका पहला उपयोग है डाई के कणों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी में उपयोग क्या है? पहला उपयोग है डाई के रंगों को अलग करने में। अब इसका दूसरा उपयोग क्या स्टूडेंट? तो दूसरा उपयोग है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करने में। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करने में। पिगमेंट का मतलब होता है रंगक, रंगक को अलग करने में। तीसरा उपयोग क्या है? आपको बता, ब्लड वगैरह टेस्ट कराने जाते हैं तो रक्त में से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए, रक्त में से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए। तो ये चीजें हैं जो आपको ये बता रही है कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसी से हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारे का मैं आपको बताता हूँ, अगला टॉपिक की हम बात करेंगे। क्या है हमारा अगला टॉपिक? ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है दो घुलनशील द्रव्य के मिश्रण को कैसे अलग करें। अगला टॉपिक क्या है? दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे अलग करें। हमारा अगला टॉपिक क्या है? दो घुलनशील मिश्रण को द्रव्य को कैसे अलग करें, हमारे अगला टॉपिक है। करना क्या है कि आइए हम एसीटोन और जल को अलग करें। इसको अलग करें, एक द्रव्य लेते हैं एसीटोन ले लेते हैं और जल का मिश्रण लेते हैं, ठीक है। एसीटोन ले लें और जल का मिश्रण, इसको हमें अलग करना है। करना क्या है? एक आसवन फ्लास्क ले लीजिए, जैसा चित्र में दर्शाया है ऐसी ऐसी चीजें ले लीजिए। उसमें आप देखेंगे आसवन फ्लास्क के ऊपर एक थर्मामीटर लगा है। अब उपकरण को चित्र में 2.9 जैसा वैसा दर्शा देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट? उम्मीद है आपको समझ में आया। अब मिश्रण क्या करना है? धीरे धीरे गर्म करना है, धीरे धीरे गर्म करते हैं। थर्मामीटर देखते रहिए, गर्म करते रहिए, थर्मामीटर देखते रहिए, गर्म करते रहिए, थर्मामीटर देखते रहिए, ठीक है।
क्या दूसरे बर्तन में एसीटोन चला जा रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से हम इनको अलग कर लेते हैं, पानी क्या होता है एक जगह पर टिक जाता है, एसीटोन पहले अलग हो गया, पानी उसी फ्लास्क में रह जाता है। इसमें अब उत्तर देना है कि जब आप इसमें गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं, तो आप अवलोकन करते हैं जैसे ही हम मिश्रण गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है। चलिए अब अगला बात करते हैं, कुछ समय के लिए थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर होता है, क्योंकि उस किसी भी द्रव का जो गलनांक होता है वर्णांक होता है वो निश्चित क्रम से आगे नहीं बढ़ता, इसे थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर होता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है इसको नोट करना है आपको, दोनों घटकों का पृथक कर पाते हैं क्यों, क्यों अलग करना है। देखिए यहाँ पर एसीटोन का क्वथनांक अलग है और जल का क्वथनांक 100 है, जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस है तो एसीटोन का क्वथनांक कुछ और होगा। इसी प्रकार से अगर दो द्रवों के बीच अगर क्वथनांक में अंतर हो, दो द्रवों के बीच अगर क्वथनांक में अंतर हो तो हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। अलग करने की इस विधि को हम प्रभागीय आसवन, सॉरी अगर किसी द्रव में द्रवों के बीच में उनके क्वथनांक में अंतर हो, ठीक है, उनके क्वथनांक में अंतर हो तो हम देखिए अंतर कितने का होना चाहिए, 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए। इतना अंतर है तो हम द्रव को आसवन विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वायु में से गैसों को अलग करने में, गैसों को अलग करने में, पेट्रोलियम से अन्य पदार्थों को अलग करने में, पेट्रोलियम से अन्य पदार्थों को अलग करने में हम किस विधि का उपयोग करते हैं। बात करते हैं प्रभागीय आसवन, साधारण प्रभागीय आसवन में छोटी सी नली होती है, आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं, वायु में से गैसों को कैसे प्राप्त करें, वायु में से गैसों को कैसे अलग करें, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। आपको पता चला कि प्रभागीय आसवन कैसे किन घटकों का अलग करते हैं, तो जिनके क्वथनांक में अंतर हो उन द्रवों को अलग करने के लिए हम प्रभागीय आसवन पद्धति का उपयोग करते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है वायु में से, वायु में से गैसों को कैसे प्राप्त करें, गैसों को कैसे प्राप्त करें। डियर स्टूडेंट वायु क्या है, वायु एक समांगी मिश्रण है, क्या वायु एक समांगी मिश्रण, समांगी मतलब जिसमें सभी घटक समान मात्रा में घुले हुए हैं, वायु एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबका प्रमाण क्या होता है, होता है निश्चित अनुपात में होता है। तो देखिए हम यहाँ पर इसमें मैं चित्र तो नहीं लाऊंगा, आपको खुद देख लेना है। इसका हम अलगाव किस विधि से करेंगे तो उस विधि का नाम है प्रभागीय आसवन विधि, क्या नाम है, प्रभागीय आसवन, प्रभागीय आसवन विधि से हम वायु के मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। देखिए अब आप चित्र में देखिए 2.12 का चित्र दिया हुआ है, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वायु में से उपस्थित सभी गैसों को अलग करना पड़ेगा, ये सभी गैसों को अलग कर देंगे तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन बचेगा, हम ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं,
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आया। चलिए अब बोल रहा है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कार्बन संकट कैसे प्राप्त करेंगे। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कार्बन संकट कैसे प्राप्त करेंगे। किसी अशुद्ध नमूने से जल में कापर सल्फेट घोल लीजिए और उसको छान लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब धीरे धीरे करना क्या है आपको, संतृप्त विलयन यानी कापर सल्फेट प्राप्त करने का आप उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो कैसा समय आएगा, जब आपको आसानी से कापर सल्फेट मिल जाएगा। तो ये कौन सी विधि है, इसे क्रिस्टलीकरण है। देखिए इस विधि को आप कापर प्राप्त करने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण आप देखते समुद्र में नमक बनाया जाता है, समुद्र पानी के लिए इकट्ठा करते हैं मेड़ बनाकर, और कुछ दिन बाद पानी जब सूख जाता है तो नीचे नमक की परत जम जाती है। समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए इस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से भिन्न कारणों की तरह होती है। हम बात करते हैं वाष्पीकरण विधि क्रिस्टलीकरण दोनों सेम नहीं है, इसमें अंतर है। क्या अंतर है, वाष्पीकरण से ये अच्छी है, वाष्पीकरण से ये अच्छी है। कैसे, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के सामान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो विघटित हो जाएंगे, या चीनी को आप ज्यादा धीरे देर में गर्म कर दीजिए तो काली पड़ जाती है। छानने पश्चात अशुद्ध विलयन पदार्थ में रह जाते हैं, इसलिए वाष्पीकरण करने पर अशुद्धियां ठोस को दूषित करते हैं। पूरी तरीके से कुछ अशुद्धियों को दूर नहीं हो पाती, इसलिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करके उन अशुद्धियों को वाष्पीकरण की तुलना में काफी बेहतर तरीके से अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को घर पढ़ेंगे, कई बार लिखेंगे, चित्र बनाएंगे तो आपका टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि ये प्रयोग है, प्रयोग को ऐसे बोर्ड पे नहीं समझाया जा सकता। आप स्कूल में होते मैं आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा। तो उम्मीद है इतना ही आप सुनिए और अपने हिसाब से पढ़िए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया, मैं आपको कोशिश किए सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।